त्योहारों के सीजन पर दिल्ली पुलिस लगातार सतर्कता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सरोजी नगर मार्केट की, जहां पर महिला बटालियन, देखिए दिल्ली पुलिस की महिला जवानों की बटालियन किस तरीके से जो है सरोजी नगर मार्केट में निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, साउथ वेस्ट के DCP गौरव शर्मा के आदेश के बाद आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस जो बटालियन है वो पूरे मार्केट में जो है पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आ रही है। त्योहारों का सीजन चल रहा है और लोग खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आतंकियों के निशाने पर हमेशा सरोजी नगर मार्केट रहा भी है और इसी वजह से लगातार जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सरोजी नगर थाने की जो पुलिस टीम है वो यहाँ पर किस तरीके से मार्केट में आप देख सकते हैं पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले साउथ वेस्ट के DCP गौरव शर्मा के द्वारा भी जो है इलाके में जो है सतर्क अभियान चलाया गया था सरोजी नगर मार्केट में। सरोजी नगर मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर आपको बता दें कि देश दुनिया के तमाम जो लोग हैं खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं, साथ ही साथ भीड़भाड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लगातार इसी तरीके की पेट्रोलिंग जो है वो चलाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और महिला पुलिस जवान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेट्रोलिंग है बाज़ार के अंदर करी जा रही है। सीधा मकसद ये है कि जिस तरीके से आपको बता दें कि जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं किसी भी अप्रिय घटना ना हो, उस अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले ही जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही साथ जो बता दें कि दुकानदारों को भी लगातार यहाँ पर नसीहत दी जा रही है। वहीं मिनी मार्केट के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा ने भी बताया कि ये पुलिस का कार्य जो है बेहद ही सराहनीय है और इस तरीके की पेट्रोलिंग जो है लगातार उनकी मार्केट में होती रहती है। ख़ासतौर पर अगर त्योहारों की बात की जाए तो त्योहारों के समय इस तरीके की पेट्रोलिंग जो है होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अपराधी होते हैं उनके अंदर खौफ बना रहे और इसी वजह से इस तरीके की जो पेट्रोलिंग है वो करी जाती है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rsonews पर भी विजिट करें। आप देख रहे हैं पंकज भारती के साथ नादरा साइन की एक खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। देखिए जी, 2-3 दिन पहले DCP साहब और उनके साथ कम से कम 100-150 पुलिस वाले थे जिन्होंने पेट्रोलिंग भी करी, क्योंकि 2-3 दिन पहले लक्ष्मी नगर से आतंकवादी भी पकड़ा गया। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर पुलिस इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है हमारी सरोजनी नगर मार्केट में, आज भी बहुत सारी कम से कम 100 के करीब लेडीज़ पुलिस ने पेट्रोलिंग करी, वो भी अच्छी बात है। हमारी मार्केट में जो कस्टमर आते हैं ये चीज़ें देख के वो कहते हैं कि मार्केट में सुरक्षा का बंदोबस्त ठीक ठाक हैगा। बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस तरीके से अगर पेट्रोलिंग चलती रही, खासकर दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन चल रहा हैगा, तो ये तो एक अच्छी बात है कि अगर ऐसा होता हैगा। पर इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो पहले सिक्योरिटी थी बीच बीच में वो कम हो जाती है, कि तीसरी लहर का डर हैगा वो ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि रहे, पर उसके साथ साथ यहाँ पे सिविल डिफेंस और पुलिस की भी थोड़ी और बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इस तरीके से जो ये पेट्रोलिंग हो रही है कि ये लगातार जब तक दिवाली है कि या फेस्टिवल है तब तक जारी रहनी चाहिए। नहीं, मैंने जैसा कहेगा कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारी मार्केट क्या है कि चारों तरफ से खुली हुई है, पर उसको बैरिकेटिंग करा है जो SHO साहब नए आए हैंगे। पर उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट के अंदर खाली यही नहीं कि एक घंटे के लिए पेट्रोलिंग करके चले जाएं, लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग और बीच में पुलिस वाले होने चाहिए, जिससे ये जो उनको देख के एक तो ये जो जेब तराशी या इस तरीके की हरकतें होती हैं वो नहीं हो पाएगी। और जहाँ आतंकवादी भी जहाँ तक हैगा वो पुलिस को या ज़्यादा सिक्योरिटी को देख के अंदर नहीं घुसते हैं। हमारी मार्केट में इन्हीं दिनों 29 अक्टूबर 2005 को बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कम से कम 50 लोगों की डेथ हुई थी, 127 घायल हुए थे। तो धनतेरस के दिन था वो भी, इसलिए यहाँ पे पेट्रोलिंग और बढ़ानी चाहिए। अच्छी बात है कि पुलिस इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रही है।